तुम्हारे माँ बाप का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने दिल के और घर के दरवाजे हमारे लिए फिर से खोलकर हमें जो इज्जत बख्शी है, मैं उसके लिए बहुत एहसानमंद हूँ। आशी बेटा, मुझे इनकी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पास आके खुद बात करें। वक्त इंसान को कहां से कहां ले जाता है, इसका अंदाजा तो इंसान भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, मैंने भी सोचा नहीं था कि खुदा इस तरह से मुझे फखर की गलती का अजाला करने का मौका देगा। बहुत शर्मिंदा है फखर तुमसे भी और तुम्हारे माँ बाप से भी। वो कहता है कि तुम्हें गंवाने के बाद उसको तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हुआ है। आशी, मैंने इन्हें बता दिया है कि आशी की मर्जी के बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे। बेटा तुम इनकार करो, तुम्हारा इख्तियार, लेकिन बस तुमसे मैं एक बात कहूंगी कि अगर तुम्हारी वजह से मेरा बेटा राह रास्त पर आ जाता है तो इसको एक नेकी समझकर उसको कबूल कर लो। मुझे कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं करने, मेरे अम्मी बाबा जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने इनकार ना करके मेरा मान बढ़ा दिया, पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बाबा और अम्मी भी इनकार नहीं करेंगे। हम दिया जला बैठे तेरी चाहत का, मुंतजिर दिल है मेरा, एक तेरी भरता ही नहीं है। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त